बिहार के मुंगेर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान खड़गपुर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री में छापेमारी की गई। पूरा मामला खड़गपुर थाना के अंतर्गत मुंडेरी गांव का है, जहां अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित किए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने छापेमारी कर अवैध हथियार बनाने और तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि भारी संख्या में राइफल, कार्बाइन, रिवॉल्वर, पिस्टल, कट्टा सहित दर्जनों हथियार सहित करीब 80,000 रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई के दौरान हथियार तस्करी के अंतर जिला और अंतर्राज्यीय नेटवर्क को संचालित करने वाले सौरभ नाम के व्यक्ति और उसके भाई और पिता सुधीर शाह को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि सौरभ का पूरा परिवार अवैध हथियार बनाने और उसे दूसरे जिलों के अलावा दूसरे राज्यों को बेचने के रैकेट में भी शामिल था। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में मुरहड़ी गांव में अवैध हथियार बनाने की सूचना मिली थी। छापेमारी के दौरान वहां से भारी मात्रा में निर्मित तथा अर्धनिर्मित हथियारों को बरामद किया गया है। यहां पर से एक कार्बाइन, एक .22 की राइफल, 10 .315 बोर की देसी पिस्टल, एक 7.65 mm की पिस्टल, साथ में 4 अर्धनिर्मित कार्बाइन, 3 अर्धनिर्मित राइफल तथा एक देसी पिस्टल और एक देसी पिस्तौल के साथ साथ यहां पर 3 बेस मशीन, 3 हैंड बेस और 85,000 रुपये बरामद किया गया है। इन लोगों को सौरभ नाम का व्यक्ति जो है अपने घर से संचालित करता था और ये काफ़ी टाइम से इस एक्टिविटी में लगा हुआ था। पूछने में बताया गया कि कुछ देर पहले ही वो कुछ हथियारों को बेच करके वापस लौटा था और जितनी भी हम लोग को सूचना मिल रही है कि इसका कनेक्शन जिले तथा आसपास के जिलों में से भी था और ये काफ़ी बड़े पैमाने में इन हथियारों की को बनवाता था और इनकी तस्करी करता था। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।